अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो काम आपका बहुत प्यारा है और मुझे इसी चीज़ का पूछना था कि आपने क्या, आपकी थीम थी, नाम क्या था थीम का और आपने वही थीम क्यों चूज़ की? थीम जो मेरी थी वो फीनिक्स एंड रैप्सोडी ऑफ लाइफ है। रैप्सोडी ऑफ लाइफ इज़ बेसिकली लाइक फेजेस ऑफ लाइफ, द थिंग्स वी गो थ्रू। तो उसको मैंने रिलेट किया है अपनी अम्मी की लाइफ की जर्नी से, जो उन्होंने हाथों से जर्नल्स लिखी हुई थी उसमें से मैंने प्रिंट एक्सट्रैक्ट किए हैं। लाइक ये जो आप बेल का प्रिंट देख रहे हैं, ये सारा रिटन को जो मैंने एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट किया है थ्रू ड्राइंग्स, डिजिटल स्केचेस, और फिर उसको मैंने आउटलुक दिया है डिज़ाइन की फॉर्म में वेल की। और सेकेंडली मैंने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं और साथ में मैंने हर चीज़ में जो फिनिक्स था वो इनकॉर्पोरेट किया बिकॉज ऑफ द रीइंकार्नेशन एंड द हीलिंग थिंग जो उसके टीयर्स में होती हैं। चलो, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थीम। और आपने अपनी मदर की से इंस्पिरेशन लेके, उनकी जर्नी पे इंस्पिरेशन लेके आपने अपना पूरा कलेक्शन बेस किया है, तो इसको बनाने में आपको कोई डिफ़िकल्टीज फेस हुई, और अगर हुई भी तो आपके इंस्ट्रक्टर्स ने आपको किस तरह से गाइड किया कि आप अपना काम इस खूबसूरती से निखारो? नो डाउट डिफ़िकल्टीज तो थी, हार्डशिप्स थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम थोड़ा सा जो है ना, देर इज़ अ पॉइंट जब आपको थोड़ा सा आप इनडिसाइसिव होते हो कि व्हाट टू चूज़ एंड व्हाट टू नॉट। तो तब आई वाज लाइक, पहले मैं जब कर रही थी तो इट वाज होल लाइन ऑफ बॉक्सेस, तो फिर आई हैड टू डू द वेल टू, तो फिर आई वाज अ बिट इनडिसाइसिव कि व्हाट शुड आई गो फॉर। तो माय इंस्ट्रक्टर्स असर शबाहत में मकसद, दे लाइक हेल्प मी अलॉट। तो हमारी जो एचओडी न्यू आई हैं, शी सॉ द प्रिंट एंड शी सेड कि यू आर गोना डू दिस एंड आई डिड इट। आई कैन सी दैट यू डिड इट। अच्छा, अब आप ये बताओ कि जब आप इकरा यूनिवर्सिटी एशियन कैंपस में आप आए, फर्स्ट स्टेप इन लेने के बाद से आप माशाल्लाह यू ग्रेजुएटिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और आपको अपने इन चार साल की जर्नी में आपको अपने अंदर कुछ चेंज फील होती है? आपने क्या सीखा एज अ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, क्या आपको अपने अंदर एक डिफरेंस फील होता है? जी जी बिल्कुल, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, द कॉन्फिडेंस बूस्टिंग स्टफ हियर इज़ प्रीटी गुड। आपको एक्सपोजर मिलता है, प्लस लर्निंग आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे हैं। सेकेंडली टेक्सटाइल इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी हार्ड, बट सो फार सो गुड, अल्लाह जी का शुक्र है। और अब ये बताओ कि अब आप जैसे ग्रेजुएट कर रहे हो, तो अब आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे अब आप क्या सोच रहे हो कि अभी इस टेक्सटाइल को आप किस तरह से परस्यू करना चाहते हो? आई एम थिंकिंग ऑफ लाइक के अभी भी वी आर लाइक वी आरंट दैट पॉलिश्ड फॉर लाइक के अभी हमने एक्सपीरियंस गेन करना है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट स्टफ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करूँगी, फिर मे बी आई वुड स्टार्ट अप माई ओन लेवल समडे इंशाल्लाह, और मे बी आई वुड वर्क फॉर समथिंग लाइक दिस, कुटोर में चली जाऊँ, कोई पता नहीं है। तो बस चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।